नमस्कार, हम हैं विष्णु और आप देख रहे हैं द बेगूसराय। अपने चुनावबाजी के इस एपिसोड में हम आए हैं सार्जन सिंह के पास और हम उनसे मिल के जानेंगे कि उनके क्या विजन है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र को लेके इस चुनाव में। सबसे कम अगर कहीं काम हुआ है तो मटिहानी विधानसभा में ही काम हुआ है। एक भी काम उनकी उपलब्धि बताइए। मटिहानी की दुर्दशा किए हुए हैं विधायक जी, हम तो नहीं कहते लेकिन लोग कहता है दबंग विधायक भी हैं। मतलब है दबंग, कभी विधानसभा ही नहीं गए हैं। हमारा 4 साल कमल नहीं मारते हैं, 5वां साल जब चुनाव आएगा तो 50 रुपये 40 रुपये वाला कमल बांध देते हैं, क्योंकि आपकी सरकार है और आपने 3 करोड़ के अंदर में उसमें कितना आप खाए ये तो कोई नहीं जानता। हम लोग तो देखते नहीं ना, लेकिन तो अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्षेत्र की समस्या डीएम को नहीं बताइएगा, सीएम साहब को नहीं बताइएगा, तो आप विकास क्या कर सकते हैं। ऐसा मटिहानी विधायक एक बहुत ही अहंकारी विधायक है, बहुत ही घमंडी विधायक है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है और इस बार उनका अहंकार को जनता निश्चित रूप से तोड़ देने का काम करेगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेगूसराय पे। सबसे पहले आप ये बताइए कि कोरोना काल में आपकी चुनावी आप काफ़ी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो क्या प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है आप पे? लोगों में प्रतिक्रिया है सरकार के प्रति, लोगों को कहना है जिस समय लॉकडाउन होना चाहिए उस समय लॉकडाउन नहीं हो, उस समय नमस्ते ट्रंप चल रहा था, जब लॉकडाउन का समय आया उस समय छूट दे दिया गया और आज कोरोना की संख्या बढ़ रही है और आज जनता को चुनाव में झोंक दिया गया है। और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो तो अपना उनके पास संसाधन है, वो अपना वर्चुअल रैली सरकारी तंत्र का उपयोग कर अपना काम कर रहे हैं और विपक्ष के लोगों के साथ दिक्कत आ रही है। और विपक्ष के लोगों ने मांग भी किया था कि कोरोना काल में चुनाव को तिथि बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार जनता के साथ मनमानी कर रही है, सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। सरकार जो भी है उसको राज चाहिए, नीति से कोई मतलब है ही नहीं, तो फिर कोरोना क्या होता है? कोरोना का कोई मतलब ही नहीं रहा, सरकार तो तानाशाही से गुजर रही है। सर, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? लोगों की एक ही प्रतिक्रिया है, बदलाव। हर लोगों के मन में है कि नहीं इस बार बदलाव होना चाहिए, और हमें लगता है कि 2 महीना बाद जो चुनाव होगा बिहार के लिए एक अद्भुत रिजल्ट होगा और बिहार में बदलाव होगा। एनडीए की सरकार जाना तय है। सर, एनडीए वर्चुअल रैली शुरू कर चुकी है लेकिन जो है कांग्रेस अभी तक कुछ भी ऐसा करती हुई नहीं दिख रही है, तो आप लोग इतना पीछे क्यों चल रहे हैं? उसके पास सब संसाधन है, सरकारी तंत्र है, पैसा है, सभी के इसके द्वारा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यही तो हम कह रहे हैं, सरकार जो है अपने मुताबिक काम कर रही है, पैसे को सरकारी पैसे को दुरुपयोग कर रही है, इसी में हम लोग पीछे हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उतने संसाधन की कमी हमारे पास है जो सरकार के पास है। सरकार तो सरकार होती है और सरकार अपनी ताकत चुनाव जीतने के लिए झोंके हुई है। सर, आपने कहा सरकार अपनी ताकत चुनाव जीतने में झोंकी हुई है, क्या आप लोग चुनाव नहीं जीतना चाहते? क्योंकि अब सब वर्चुअल हो रहा है, पूरी दुनिया अब वर्चुअली आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे क्यों है? हम पीछे नहीं हैं, मेरा भी आज से वर्चुअल रैली शुरू है जी। हम पीछे नहीं हैं, हम भी शुरू किए हुए हैं और हमको लग गया, हम पहले जानते थे कि कोरोना काल में सरकार चुनाव नहीं कराएगी। हम जनता की हमारी सरकार और दूसरे की सरकार में यही अंतर है। हमारी सरकार जब होती है तो हम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और दूसरे की सरकार जब होती है वो अपने प्रति जवाबदेही होती है, वो अपने सत्ता के लिए जवाबदेही लेती है। हमारा सत्ता कैसे बचे रहे इसके लिए वो जवाबदेही लेती है, उसके लिए वो हर काम करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जनता बचा रहेगा तो मैं राज करूँगा, इसीलिए हमारे में उसमें अंतर है जी। अच्छा, बात करते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की, बोगो सिंह से क्या लगता है आपको, कितने प्रतिद्वंदी आपके, किस तरीके से उन्हें आप देखते हैं, कितनी चुनौती मिलेगी आपको उनसे? चुनाव छोटा हो या बड़ा हो चुनौती तो होती है, लड़ाई मैदान में हम चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार मटिहानी के विधायक को जाना तय है। जब उनका राजा ही चला जाएगा तो सिपाही कहाँ रहेंगे,
चुनाव जीतने की सवाल ही नहीं है मटियानी विधायक का। मटियानी विधायक एक बहुत ही अहंकारी विधायक है, बहुत ही घमंडी विधायक है। उनको भाषा पर कोई लगाम नहीं है, किसके बारे में क्या बोल देंगे, कौन समाज को कब क्या बोल देंगे, इनको खुद पता नहीं है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है और इस बार उनका अहंकार को जनता निश्चित रूप से तोड़ देने का काम करेगा। सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें गुटबाजी चल रही है। आधे लोग मानते हैं कि कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह को टिकट मिलनी चाहिए, आधे लोग मानते हैं कि आपको मिलनी चाहिए। अगर राजकुमार सिंह को टिकट मिलती है तो क्या आप इसी तरह उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, टिकट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये कांग्रेस पार्टी तय करती है। अभी तो किसी का नाम ही नहीं गया है तो किसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं हम जानते हैं। और हमारा वोट का रिकॉर्ड है 2010, हमको मिलेगा हम अपने ढंग से लड़ेंगे, औरों को मिलेगा तो अपने ढंग से लड़ेंगे। लेकिन हम लोग चुनाव से पहले, हम लोग सभी आज टिकटार्थी होते हैं, कई लोग हैं अभी एक ही नाम का कहते हैं, 10 आदमी हैं टिकट लेने के दौड़ में। सर, आप दोनों सबसे आगे चल रहे हैं, आपको क्या लगता है पार्टी अनुभव को जगह देगी या नई जोश नई ऊर्जा को? देखिए, पार्टी अनुभव को देगी, पार्टी 2010 के वोट को देगी, पार्टी ऐसे लोगों की देगी जो चुनाव जीत सके। ऐसे किसी को टिकट नहीं मिल जाता है। टिकट कांग्रेस में आज के तारीख में भी आप जान लीजिए कि भगवान मिल सकते हैं, टिकट नहीं मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी में टिकट कहीं खरीद बिक्री नहीं होती है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये पार्टी सोच समझ कर डिसीजन लेती है। इसका कई सिस्टम है, कई सिस्टम से गुजरने के बाद टिकट का डिसीजन होता है और लास्ट हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा उस पर मोहर लगाती है। अच्छा विष्णु, अगला सवाल आपका है। सर, मटियानी विधानसभा में इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, मुद्दा कई तरह के होते हैं। एक मुद्दा होता है वर्तमान सरकार का नेगेटिव पॉइंट, वर्तमान विधायक का नेगेटिव पॉइंट, और दूसरा होता है कि हम जीतेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मुद्दे दो होते हैं हमेशा। तो मुद्दा एक है, लोग उब चुके हैं वर्तमान सरकार से, वर्तमान विधायक से, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज हमारे पास करने के लिए बहुत काम है, हम जीतेंगे तो आज आप जान लीजिए हमारे मटियानी विधानसभा में बहुत ज़्यादा नवयुवक बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ अभी चलिए, आप एक गांव ले चलेंगे, हर गांव में 20 बच्चा 25 बच्चा एडमिशन के लिए बोक रहा है। परीक्षा रिजल्ट निकल गया है लेकिन एडमिशन कहाँ करावे। डिग्री कॉलेज हर विधानसभा में खुलने का था लेकिन मटिहानी में तो कहीं नमो निशान डिग्री कॉलेज का नहीं है। अगर डिग्री कॉलेज खुलता तो बच्चे का एडमिशन का ये दिक्कत नहीं होता। आप मुद्दा खोजिएगा कि हम शिक्षा के नाम पर मटिहानी विधानसभा जीरो पर हम लोग आउट हुए, कहीं कोई तैयारी नहीं है, कोई स्कूल में प्लस टू का कोई व्यवस्था नहीं है, डिग्री कॉलेज का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। और बेरोजगार युवक जो हैं वो बौख रहे हैं, भटक रहे हैं हमारे बेरोजगार नवयुवक। हमारे पास कई ऐसा कार्यक्रम है जो हम अपने क्षेत्र में यहीं के वही कार्यक्रम से मैं यहाँ के क्षेत्र को लोगों को सुविधा दे सकता हूँ। वो पैसा को बंदरबाट खाली रोक लिया जाए, जो क्षेत्र में जनता का नाम से पैसा आता है अगर उसको भी रोक लिया जाए, उसको बंदरबाट से रोक लिया जाए तो क्षेत्र की समस्या दूर हो सकती है। काम करने के लिए आदमी को ताकत चाहिए, साहस चाहिए, और ताकत साहस नहीं है तो कुछ बात ही नहीं है। अच्छा, आपको जो है अगर टिकट मिलता है और जो है अगर आप चुनाव जीत के विधानसभा में जाते हैं तो जो है आप रोजगार के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ शिक्षा का व्यवस्था करूँगा। सबसे पहले कॉलेज हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम विद्यार्थी को कॉलेज व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कराए। हम चाहेंगे कि हर प्रखंड में 4-4 पंचायत 5-5 पंचायत पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और सरकार की कई योजना है, जो योजना के तहत लोन प्रधानमंत्री
लोन मिलता है, उसके तहत हम चाहेंगे कि ग्रुप कोऑपरेटिव बनाकर, हम युवक को कोऑपरेटिव बनाकर एक सिस्टम में लाकर हर चार पंचायत, दो पंचायत पर ऐसा रोजगार का अवसर दें जो हमारे नवयुवक भटके नहीं और अपने क्षेत्र में ही अपने काम करें और माता पिता का सेवा करें। मेरा यही उद्देश्य रहेगा, यही काम करने। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बेगूसराय में ही भटियानी में भी एक क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने अभी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की बात आपने की, क्राइम को लेके आप क्या करेंगे, क्राइम कैसे रोकेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या विज़न है, आप महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बेगूसराय ऐसा शहर है जहां आप शाम को निकल नहीं सकते, कोई महिला नहीं निकल सकती है, ऐसा आप क्या करेंगे कि हमें ये सुरक्षित महसूस हो कि हाँ हम 7 बजे भी निकल सकते हैं? देखिए, सरकार जब अच्छी तरह से चलती है, सरकार के पास टोटल सिस्टम है। आज जो आप कह रहे हैं बेगूसराय में हत्या, अपहरण और महिला के बारे में मैं भी जानता हूं, कई आपको थाना से मात्र 50 गज चलिएगा तो कई लोगों को कान का बाली छीन कर भाग गया है। इधर 2-4 दिन के अंदर कई घटना हुई। जिस समय सरकार अच्छी सरकार होगी, हम जिस समय अधिकारी का ट्रांसफ़र पैसा लेकर करेंगे तो अधिकारी कहीं न कहीं उसको मैनेजमेंट करेगा। अगर हम पैसा नहीं लेंगे और हम सच्चे अधिकारी को, सही अधिकारी को सही जगह पर चयनित करेंगे तो वो काम अच्छे से करेंगे। सर, बेगूसराय में एक महिला ही है विधायक, वो भी आप ही के पार्टी के महिला विधायक है, हमारे विधायक तो काम कर रही है। ना क्राइम रुका सर, ना महिला सुरक्षा का कुछ रहा। सरकार विधायक के पास सरकार नहीं होती है। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगी तो सबसे पहले बिहार की सरकार उसको कितना खराब करने के लिए चाल चलेगी। अभी तो है कि आप कितना बढ़िया काम करिए उसके विरोध में हम काम करेंगे। बढ़िया काम को तो आप सराहिएगा नहीं, ये हमारा कांग्रेस ही का ही कल्चर है। अगर कोई अच्छा काम करेगा, बीजेपी बढ़िया काम करेगा तो मैं उसको अच्छा कहूँगा। नीतीश जी 5 साल बढ़िया काम किए थे, मैं आज भी कहता हूँ 5 से लेकर 10 तक उनका बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिहार के साथ जो गलत कर रहे हैं उनको भुगते हैं, भुगत भी रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो उनका अपना परिवार पर पड़ रहा है। आप देखिए, शराबबंदी एक भी बड़ा शराब व्यवसायी पकड़ा रहा है, छोटा मोटा पकड़ाता है, वो शराब कहाँ खपत हो जाता है पता नहीं है। बड़े बड़े बेगूसराय के सफेदपोश राजनेता जो शराब का व्यवसाय करते हैं, आज तक उन पर उंगली उठी है, उनको पकड़ा गया है। आज भी सरकार अगर सही ढंग से बड़े व्यवसायी को शराब का धंधा में जो लिप्त हैं, जो राजनेता लिप्त हैं, उनको अगर पकड़ ले तो आज भी आपको क्राइम बहुत कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, आप रोजगार देने रहे हैं, आप जल कौन कौन योजना है, 7 निश्चय योजना जी। आप कोला नदी देखिए, आप देखिए बलान नदी, अगर उसमें ही मनरेगा के द्वारा गांध को साफ करवा दिया जाता, सब कुछ किया जाता तो रोजगार भी मिल जाता और पानी संचय का भी व्यवस्था हो जाता जी। आपका सब योजना जो है लूट खसोट योजना है, लूट खसोट। आप चलिए इंदिरा आवास कहीं चलिए, लेकर चलेंगे आपको गुप्त रूप से, बिना पैसा का कोई काम होता ही नहीं है। तो भाई अफसर, अधिकारी लोग भी क्या करेंगे, अधिकारी लोग भी कहते हैं कि हम इतना देख कर आए हैं, कहाँ मेकअप करेंगे? तो लोग जनता से मेकअप हो रहा है, जनता परेशान है जी। जनता आपने कहा कि मटिहानी विधानसभा में पैसों की बंदरबांट होती है, आपने ऐसा क्यों कहा, ये आपका आरोप है मटिहानी के वर्तमान विधायक पे? देखिए, मटिहानी का विधायक पर आरोप नहीं है, सच्चाई है। मटिहानी के विधायक अपने विधायक फंड का अपने ही काम करवाते हैं। अगर उनकी काम को, एक काम को आप जांच करवा दिया जाए तो मालूम होगा कि विधायक जी जेल में चले गए। टोटल काम में धांधली है, कई स्कूल बना महीना दिन नहीं लगा, चूने लगा, सामो बिजुलिया उसका प्रमाण है, कई प्रमाण है। तो विधायक जी अपने खुद अपना काम का अपने करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तो बंदरबाट तो है, कहीं बता कर लिए ठेकेदारी अपने करते हैं। अगर दो काम का उनका काम का 5 साल का कार्यकाल को जांच करवा दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो हमको कहने का जरूरत ही नहीं मिलेगा। आज आप चलिए बहदरपुर, नेशनल हाईवे से बहदरपुर उतरिए, रोड नहीं है, खड्डा है,
मेन रोड से आप चलिए सुदरसा डाला से भेड़बार की ओर, रोड नहीं है। आप चलिए शाहपुर से उतरिए, रोड नहीं है। आप चलिए मटिहानी से खुरमपुर थाना मेन जिस जहाँ से विधानसभा का नाम पड़ता है ये मटिहानी विधानसभा है, वहाँ उस रोड की हालात देखिए। आप चलिए खड़गपुर रोड की हालात देखिए। आप खुरमपुर ढाला पर चढ़िए, चलिए आप महिदरपुर तक, रोड नाम का चीज़ नहीं है। कहीं भी एक दो जगह मैंने आवाज़ उठाया, विधायक जी का अपना गांव अंग्रेजी ढाला से विधायक जी के गांव जाने का रोड नहीं था 15 साल में। इधर जब हम आप ही के माध्यम से मीडिया के लोगों के माध्यम से जब आवाज़ उठा तो इधर लगता है कि कोई कह रहा था कि काम शुरू करवाए 10-15 दिन पहले। और कई योजना जो है अभी धाएँ धाएँ जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं जिस रोड में चले जाते हैं उस रोड में कम से कम गिट्टी बालू तो नहीं गिरता है, शिलान्यास हो रहा है। अब चुनाव के बाद उसका उद्घाटन होगा कि नहीं होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए शिलान्यास किया जा रहा है। और जल निकासी का तक कोई व्यवस्था है ही नहीं मटिहानी में। मटिहानी विधानसभा तो कहे बहुत ही सबसे कम, अगर कहीं काम हुआ है तो मटिहानी विधानसभा में ही काम हुआ है। यहाँ तो काम कुछ हुआ नहीं है, बड़े बोलेपन है। अक्षर हम बहुत बोलते हैं, झूठ का आवाज़ लग उठाते हैं। हम ये कर रहे हैं, कम्बल बांटने से किसी की समस्या नहीं दूर होगी। हमारा 4 साल कम्बल नहीं बांटते हैं, 5वां साल जब चुनाव आएगा तो 50-40 रुपये वाला कम्बल बांट देते हैं, क्योंकि कमीशन का जो पैसा आता है उसी में 1 लाख रुपये खर्चा करके अपना वो बांट कर अपना बाबा ही ले लेते हैं। तो आज तो यहाँ तो काम कुछ हुआ नहीं है, बड़े बोलेपन है। अक्षर हम बहुत बोलते हैं, झूठ का आवाज़ लग उठाते हैं। हम ये कर रहे हैं, कम्बल बांटने से किसी की समस्या नहीं दूर होगी। हमारा आज तो मटिहानी की दुर्दशा किए हुए हैं विधायक जी। 15 साल एक बड़ी अवधि होती है, मामूली अवधि होती है कि नहीं? 15 साल एक बड़ी अवधि होती है, और जदयू की सरकार 15 साल, जदयू का विधायक ओम हम तो नहीं कहते हैं लेकिन लोग कहता है दबंग विधायक भी हैं, तो दबंग विधायक काम जीरो, एक भी काम उनकी उपलब्धि बताइए कि कहाँ वो डिग्री कॉलेज खुलवा दिए, क्या विद्यार्थी के लिए किए, क्या स्टेडियम खुलवा दिए, स्टेडियम एक मटिहानी विधानसभा में अच्छा स्टेडियम है पूरे विधानसभा में बता दीजिए, कहीं खेल कूद का व्यवस्था हो। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो है राज्य से मतलब है, कभी विधानसभा ही नहीं गए हैं, डीएम साहब के पास कभी नहीं गए हैं। जब अपना फरियाद आप क्षेत्र की समस्या डीएम को नहीं बताइएगा, सीएम साहब को नहीं बताइएगा, तो आप विकास क्या कर सकते हैं? वही विकास है जो 3 करोड़ विधायक को फंड मिलता है, किसी विधायक को 3 करोड़ फंड मिलता है और वही लोग 3 करोड़ कर दिए। भैया 3 करोड़ से ऊपर लाइएगा तब आप टैलेंटेड विधायक में आपकी गिनती होगी। आपकी सरकार है और आपने 3 करोड़ के अंदर में उसमें कितना आप खाए ये तो कोई नहीं जानता, हम लोग तो देखते नहीं ना, लेकिन तो अगर जाँच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।